राजा को भिखारी को डॉक्टर को रोगी को सूफी को शराबी को फुल टेंशन बड़े को भी छोटे को भी पतले को मोटे को हरे को खोटे को लंबे को नाटे को Full tension. भीख मांगने वालों के लिए खुशखबरी। फटे पुराने कपड़े पट्टियाँ भीख मांगने वाली रेहड़ी लोटा छड़ी बैसाखियाँ और मेकअप का सामान सस्ते दामों पे किराए पर मिलता है। पता नोट करें, भट्टी बैगिंग इक्विपमेंट्स, ऑपोजिट रेलवे स्टेशन पहाड़गंज, नई दिल्ली 55। कृपा 1 रुपए से कम भीख देकर शर्मिंदा ना करें। चलो आठाने, पर ये भी तो अंधा है, क्या पता चलेगा कि सिक्का 1 रुपए का है या 8 आने का। चले दो सरदार जी, ओ हमें तो धंधे की वजह से अंधा बनना पड़ता, आप क्यों अंधे बने हुए हैं। दस पैसे देता जा भगवान तुझे 4 पुत्र दे 10 पैसे देता जा भगवान तुझे दस पैसे देता जा भगवान तुझे 4 पुत्र दे 10 पैसे देता। छोड़ो छोड़ो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 3-3 भिखारी इकट्ठे होकर 1 भिखारी को मार रहे हो। और मारेंगे क्यों नहीं जनाब, ये 10-10 पैसे में 4-4 पुत्रों की दुआ दे रहा है, जबकि आजकल हमारा रेट चल रहा है 1 रुपए में 1 पुत्र की दुआ का। अल्लाह के नाम दे दे बाबा, मौला के नाम दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा, मौला के नाम दे दे बाबा। ओ भाई अजीब आदमी हो तुम, तुमने मेरे से अच्छा सूट पहना हुआ है, टाई पहनी है और भीख मांग रहे हो। साहब वो बात क्या है कि मैंने एक रिश्तेदार की शादी पर जाना है, इसलिए कपड़े जरा जल्दी बदल लिए। बोला भाई, अगर आज मैं स्टेशन पर भीख मांगने ना जाता ना, तो तुम्हें कैसे मिल पाता? बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही बड़ी मुश्किल से। सुना, तेरे बच्चों का क्या हाल है? भगवान की दया है भाई, 3 बच्चे हैं, तीनों बंबई कलकत्ता मद्रास में बहुत बड़े भिखारी हैं। अपने अपने घर बार हैं, अच्छा खाते पीते हैं। तेरे बच्चों का क्या हाल है? अरे बोला भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब निकली। एक लड़का था, पढ़ लिख कर नौकरी लग गया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बेटा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि आदमी चांद पर भी पहुंच गया है। अच्छा पिताजी, फिर तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम चांद पर भी भीख मांगा करेंगे। नींबू डाल भाई, नींबू डाल जरा। पवार साहब, साहब 1 रुपया दे दो साहब। छोले भटूरे खाने? साहब 1 रुपया नहीं तो 8 आने नहीं दे दो साहब। देखो भी मेरा असूल है कि मैं किसी को पैसे नहीं देता, हाँ कुछ खाना है तो बात करो। साहब आप मुझ पर रहम करें साहब, पैसे ही दे दें। भाई एक बार कह दिया ना, छोले भटूरे खाने से बात करो। और जनाब सारा दिन इसलिए भीख मांगते हैं कि कम से कम रोटी तो ठीक जगह खाएं। ओए बहन जी, बहन जी चाह रहे
ओ मेरे दादा चारे। माफ कर यार। ओ मेरे सरदार जी कलंगी वाले सरदार जी, ओए चार आने दे दे बाबा। ओ भाई तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, चार चार आने मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है सरदार जी, पर क्या करे, लोग ही बड़े बे शर्म है, चार आने से ज्यादा कोई देता ही नहीं। एक्शन। अरे भाई कहीं तुम तो नहीं हो विजन में? नहीं नहीं मैम, मैंने पता कर लिया, ये टाइट फ्रेम है, मैं विजन में नहीं। जी। भिखारी जी, क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर देश की सेवा करें? अजी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो देश की सेवा जरूर करें। वो कैसे? मैं चाहता हूँ कि वो राजनीति में जाए और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, वरना आपके बेटे में ऐसा कौन सा गुण है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन सके? अजी आप उसे किसी मुल्क में भेज कर तो देखिए, अगर बिना लोन लिए वो वापस आ जाए तो समझना असली बाप का बेटा नहीं है। और बहनों पेश है बैगर्स क्विज। अल्लाह के नाम चाहे राम के तू नाम दे, अल्लाह के नाम चाहे। आपने गाना नहीं गाना, आप लोग यहाँ क्विज में हिस्सा लेने आए हैं। ओके ओके। हाँ तो हमारे क्विज में चार सवाल हैं। सवाल क्या, चार इसमें चार सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस मेरा मतलब चार इसमें सीन्स हैं। तो हर सीन में हम आपको एक भिखारी दिखाएंगे, भिखारी उस सिचुएशन में भीख मांग रहा होगा, ठीक है? तो आपने ये सीन देखकर अंदाजा लगाना है कि भिखारी कहाँ भीख मांग रहा है, शहर के किस कोने में भीख मांग रहा है। तो हमारी दो टीम्स हैं, एक समझदार, पढ़े लिखे हैं ये, बल्कि इतना पढ़ चुके हैं कि ये थक चुके हैं, और दूसरी टीम है हमारी, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बारी है बेवकूफों की, तो आइए देखते हैं पहला सीन। चार आने दे ताजा, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, चार आने दे ताजा, भगवान हर एक्सीडेंट में तुम्हारी हड्डी पसली सलामत रखे,
बस स्टैंड पर। जवाब बिल्कुल सही। अब बारी है समझदारों की, आप देखिए नेक्स्ट सीन। ओए सरदार जी, 2 रुपया देता जा, वाहेगुरु तेरा पेट ठीक रखे, से ठीक रखे, पाचन शक्ति ठीक रखे। ओए हम बताइए आज बेवकूफ। ढाबे पर। जवाब बिल्कुल सही। तो अब बारी है फिर हमारे बेवकूफ भाइयों, मेरा मतलब बेवकूफों की। आप देखिए हमारा नेक्स्ट सीन। 1 रुपया देता जा, अल्लाह तुझे ऐसे महकमे का मंत्री बनाए, तेरे पास पैसा खत्म न होने पाए मेरे बच्चा। पार्लियामेंट हाउस के सामने मांग रहा है। तो आप बिल्कुल ठीक, भिखारी पार्लियामेंट हाउस के बाद भीख मांग रहा है। तो अब बारी है समझदारों की। समझदार देखेंगे हमारा नेक्स्ट सीन और बताएंगे कि भिखारी कहाँ भीख मांग रहा है। ओ बेटा चारुआनी दीदी, ओ बेटा चारुआनी दीदी, तेरी पर्ची न पकड़ी जाए, तेरी पर्ची न पकड़ी जाए। बताइए बेवकूफ। भिखारी ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भीख मांग रहा है। बिल्कुल सही। इसी के साथ बेवकूफों की टीम विजेता रही और इस टीम को बैगर्स यूनियन की तरफ से स्पेशल कार्ड इशू किए जाएंगे, जिस कार्ड को देखकर कोई भी भिखारी 1 महीने तक आपसे भीख नहीं मांगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रहा मेरा हाथ, कट्ठे मिला रहे, वक्त कम है। ये लेंगे आपके 500 रुपये। ये 100 रुपये की जरा चेंज दे देंगे। चेंज तो है नहीं जी। है नहीं का क्या मतलब? मतलब क्या है नहीं, मतलब है नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपको बहुत जरूरी चाहिए तो बाहर एक भिखारी बैठे हैं गेट पे, आप उनसे मांग लें। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक क्या, भिखारी से ले लें, इसमें क्या है, चेंज चाहिए ना, मिल जाएगी। देखिए मैं आपकी शिकायत करूंगा, आपने इतना बड़ा बैंक खोल रखा है और 100 रुपये की चेंज के लिए आप मुझे बाहर भिखारी के पास भेज रहे हैं। आपके मैनेजर साहब कहाँ हैं? अभी बाहर चेंज इकट्ठी करने के लिए मैनेजर साहब ही तो भिखारी के कपड़े पहनकर बैठे हैं। भीख मांगने वालों को जसपाल भट्टी का नमस्कार। दोस्तों भीख मांगना कोई इतना आसान काम नहीं है। भिखारी का शरीर बाहर से जितना बीमार लगना चाहिए, अंदर से उतना ही चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हम भिखारियों की चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए लेकर आए हैं कुछ खास किस्म की एरोबिक एक्सरसाइजेज, जो कि आपके धंधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज। भिखारी देखें, नोट करें और साथ साथ करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस, उन भिखारियों के लिए जो खड़े होकर नॉर्मल ढंग से भीख मांगते हैं। अब उन भिखारियों के लिए जिनका शरीर वैसे बिल्कुल ठीक ठाक होता है लेकिन उन्होंने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने शरीर को एक अलग ढंग से तोड़ा और मरोड़ा होता है, उनके लिए कुछ खास किस्म की कसरत। झुककर भीख मांगने वालों की रीढ़ की हड्डी काफी मजबूत होनी चाहिए और उन्हीं के लिए पेश है हमारी अगली एक्सरसाइज।
भिखारी जो जानबूझ कर अंधे बने होते हैं वो देखे उनके लिए क्या है। वो भिखारी जो खड़े होकर भीख मांगना पसंद नहीं करते, मतलब अफसर किस्म के भिखारी होते हैं, उनके लिए बैठकर भीख मांगने वाली एक खासम खास एक्सरसाइज। इसी के साथ आज का हमारा शेड्यूल खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आज के दिन इसी वक्त। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। हर आता जाता आप पे तरस खाए, आप बैठे बिठाए हजारों कमाए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा। गरीबों की सुनो अरे अरे, वो तुम्हारी। तुम टेप रिकॉर्डर चलाकर भीख मांग रहे हो? अगर भीख मांगनी है तो कम से कम इतनी मेहनत कर लो कि गाना ही खुद गा लो। सरदार जी, कल आइसक्रीम खा के गला बैठ गया, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला ना। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बड़ी जबरदस्त आवाज है यार तुम्हारी, तुम तो अपनी आवाज वेस्ट कर रहे हो यहाँ। तुम्हें पता तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। मुझे मालूम है मेरी जगह बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में है, मैं वहाँ काफी पैसे कमा सकता हूँ। वैसे तुम यहाँ किसी चौक में खड़े होकर अगर यही गाना गाओ ना तो भी काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब भीख मांगू? भाई तुम्हारी आवाज में दर्द है, फायदा उठाओ। तुम्हारी शक्ल में दर्द है? बोलो मिलकर पार्टनरशिप करते हो? मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के गाया करूंगा। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। ए लो 5 रुपए और चलो चलो चलो। देखा तुम्हारी आवाज का दर्द और देखा तुम्हारी शक्ल का? भाई इन्होंने तुम्हारी आवाज पे तरस खा के पैसे दिए हैं। शर्त हो जाए तुम्हारी शक्ल पे तरस खा के दिए। मैं कहता हूँ हो जाए शर्त, हो जाए। पूछ लो इनसे, पूछ लो। भाई साहब आपने हम दोनों में से किस पे तरस खा के ये पैसे दिए? मैंने किसी पे तरस खा के पैसे नहीं दिए। आप मुझ पर तरस खाओ, मेरे इलाके में अगर भीख मांगते हो मेरी रोजी रोटी पे लात मारते हो, 5 रुपए लो और दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब 5 रुपए दे दो, भगवान आपको सुखी रखे, आपका कारोबार चला रखे। ओ माफ करो बाबा, ओ मैंने अभी अभी दुकान खोली है, अभी मुझे कोई कुछ नहीं देके गया, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? डॉक्टर साहब कोई फटे पुराने कपड़े दे दो। भाई कपड़े यहाँ नहीं है, जाओ यार सुबह सुबह आ गए हो। आटा दाल ही दे दो। भाई ये मेरा घर नहीं है, दुकान है। यहाँ तो दवाइयाँ हैं, या ECG है, एक्सरे की मशीन पड़ी हुई है। ऐसे करो फिर मेरे फ्री एक्सरे कर लो, बोनी का टाइम है ना। मिस्टर भट्टी, मैं बैंक की इस ब्रांच के काम से बहुत खुश हूँ। जब से आप यहाँ नए बैंक मैनेजर बन के आए हैं इस ब्रांच ने तो बहुत तरक्की की है। थैंक यू सर। हमारी किसी भी बैंक की ब्रांच में इतना डिपॉजिट नहीं हुआ, आपने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। शुक्रिया सर। अच्छा मिस्टर भट्टी, मुझे आप बताएंगे कि आपने इतना डिपॉजिट इकट्ठा कैसे कर लिया? सर मैंने शहर के सभी भिखारियों के अकाउंट अपनी ब्रांच में खुलवा दिए हैं सर। है? भिखारी से बच के कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा तू हमें पाएगा। अल्लाह के नाम जाए राम के तू नाम दे, अल्लाह के नाम जाए राम के तू नाम दे। 5 का या 10 का तू हाय हाय होए होए, 5 का या 10 का तू नोट हमें थाम दे। छुट्टा नहीं 100 का भी चल जाएगा, बाबा भूखा है, बाबा भूखा है, भूखा बाबा केक खाएगा।
घर में बीच में टांग अड़ाऊंगा, जो भी लगेगा तू खाने चेहरा मैं भूखा दिखाऊंगा। अल्लाह के नाम चाहे राम के तू नाम दे, अल्लाह के नाम चाहे राम के तू नाम दे। जो कुछ तू खा रहा बाबा को थाम दे, जो कुछ तू खा रहा बाबा को थाम दे। आइसक्रीम हॉट डॉग सब जाएगा, बाबा भूखा है, बाबा भूखा है, भूख बाबा पेट खाएगा। Thank you.